सूरत की अठवा पुलिस फिर विवादों में घिरकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है। आपको बता दें कि अठवा पुलिस द्वारा घरेलू हिंसा के अपराध में पुलिस थाने लाए हुए अपराधी को अठवा पुलिस द्वारा बेरहमी पूर्वक पीटने पर मामला अस्पताल तक पहुंचा। आपको बता दें कि सूरत के खटोदरा कस्टोडियल डेट के मामले के बाद सूरत की अठवा पुलिस फिर विवादों में घिरकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है। आपको बताते चले कि सूरत के अठवा विस्तार की निवासी पीड़ित महिला शबाना नवाज पठान के पति पर उसकी दूसरी पत्नी रेशमा नामक महिला ने युवक पर घरेलू हिंसा का मामला सूरत के अठवा पुलिस थाने में दर्ज करवाया, जिसके संदर्भ में सूरत की अठवा पुलिस ने पीड़ित महिला शबाना को, जो कि पीड़ित युवक की पहली पत्नी है, तो अठवा पुलिस ने शबाना के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर बेरहमी पूर्वक पीटा। ऐसा आरोप पीड़िता महिला द्वारा लगाया जा रहा है और पीड़ित महिला द्वारा ऐसा भी आरोप अठवा पुलिस के पीएसआई रावल साहब पर लगाया जा रहा है कि पीएसआई रावल साहब ने उस युवक से मामला रफा दफा करने के नाम पर ₹50,000 की मांग भी की थी और युवक द्वारा इतने सारे पैसे देने से इनकार करने पर अठवा पुलिस थाने के पीएसआई रावल साहब द्वारा पीड़ित युवक को बेरहमी पूर्वक पीटा गया। ऐसा आरोप पीड़ित युवक की पत्नी ने, शबाना ने, अठवा पुलिस के पीएसआई पर लगाया है और मीडिया समक्ष अपनी बात बताई है। अठवा पुलिस द्वारा पीड़ित युवक को बेरहमी पूर्वक पीटने पर युवक की हालत काफी गंभीर अवस्था में पहुंची, जिससे उपचार के लिए पीड़ित युवक को सूरत की सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर युवक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और पीड़ित युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इस घटना से ये प्रतीत हो रहा है कि अगर जनता की रक्षा करने वाले अधिकारी जब चंद रुपयों के लिए जनता के साथ भक्षकों जैसा व्यवहार करेंगे तो आम जनता मुसीबत में किसके पास जाएगी और इंसाफ के लिए किससे गुहार लगाएगी। बीते कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी और विवादों में गिरी अठवा पुलिस पर एक के बाद एक जो आरोप पीड़ितों द्वारा लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के मद्देनज़र क्या सूरत शहर पुलिस कमिश्नर साहब कोई उच्च फैसला लेंगे, ये देखने वाली बात है। मारू नाम शबाना नवाज फत्ता छे। मारा हस्बैंड ना ऊपर रेशमाए केस कर्यू तू। मने नथी खबर के सेनू केस कर्यू तू। मारा हस्बैंड 20 दिवस थी घरे नथी नता हता। आजे मारा हस्बैंड पोलीस स्टेशन अठवा में जमा थेला। एमनी रजू थई गईली, 2 वागे एमनी रजू थई, बधी लिखापढ़ी थई, बधी फोटो काढ्यू, बधी थई गयू। एमना पछी रावल सरे मारा हस्बैंड पासे पासे ₹50,000 मांग्या। कीधु कि मने ₹50,000 आपो पछी हूँ तमने कर छूटी आपूँ। तो मारा हस्बैंडे कीधु कि हूँ 200-300 रुपया कमाऊँ छू, हूँ 50,000 क्या थी लाऊ। तो रावल सरिए मारा हस्बैंड ने अंदर लईने बाइणू बंद करीने कीधु कि हवे पैसा वगरनी ट्रीटमेंट केम होय छे तो हूँ तमने बताड़ू छू। एम करीने मारा हस्बैंड ने पट्टा थी ने बेल्ट थी ने लकड़ी थी मार्यू छे। मारा हस्बैंड ने बहु मार्यू। मारा हस्बैंड ने अमे दवाखाना में सिविल में एडमिट कर्यू छे। एमना ऊपर रेशमाए केस नाख्यू तू। रेशमा एमनी बीजी वाइफ थी। मारा रहते हुए रेशमाए एमना साथे लगन कर्या था 6 वर्ष पहला। मैं एमना ऊपर नंदुरबार में एमना ऊपर 498 रेशमाना ने रेशमाना परिवार ना ऊपर, एना पप्पा ना ऊपर, एमना भाई ना ऊपर, एमनी बहनू ना, बे बहनू ना ऊपर, एमने एक बनेवी ना ऊपर, बधाई ना ऊपर मैं एमने केस कर्यू तू। ये केस ने मारा हस्बैंड मने 8 महीना थी रेशमा ने डिवोर्स दईने मने लेवा आव्या था। एमना माटे रेशमा मारा ऊपर खुनज खाई ने मारा हस्बैंड ने फोन करीने धमकी आपती थी कि तमे हवे पाछू एमने छोड़ी दियो तमारी पहली वाइफ ने, नहीं तो हूँ खुद गोली खाई लईश या काई भी तमारा बारा में खोटू बोली ने तमारा ऊपर केस नाखी दईश। एम करीने ये खोटू केस में मारा हस्बैंड ने हमणा भी ये फसायू से। मारा हस्बैंड ने रोज धमकी देती थी। मारा हस्बैंड ने ना पड़ियो एना माटे ये धमकी दईने एमना ऊपर केस कर्यू से। ने रावल सर अमारा पासे 50,000 रुपया मांगे छे तो अमे गरीब माणस एमने पाई 50,000 क्या थी भरे। अमे नो आप्यू तो मारा हस्बैंड ने ये लोके खूब मार्यू छे। रेशमा ने रावल सर बे मळीने मने मानसिक त्रास आपे छे। रावल सर मारा हस्बैंड घर में नहोता। रावल सर रोज 20 दिवस थी मारा घर में आवीने रोज मारा घर में चेकिंग करता था ने मने धमकी आपता था। नवाज क्या छे, नवाज क्या छे मने पूछता। मैं एमने ना पाड़ती थी। मैं एकली घर में आती ना पाड़ती थी कि आवशे तो मैं खुद फोन करी दईश। तो भी आवीने 10-10 मिनिट बेहीने मारा घर में जाता था ने मने धमकी आपता था कि तमे नवाजनु एड्रेस दियो ना तमने 50,000 रुपया भरो। एम कहीने 10 मिनिट क्यारे भी आवी जाता था। रात्रे 9 वागे आवे, हवारे 7 वागे आवे। एमनू काई टाइम नहोतु मारा घर में आवानू।
ને રેશમા ને રાવલ સર બે મળીને મને બહુ હેરાન કરે છે. હું પ્રેગ્નેન્ટ છું 5 મહિનાની, મને માનસિક ત્રાસ આપે છે ને અમે લોકોએ પૈસા નથી ભર્યા. તો મારા હસબન્ડને બહુ માર્યું છે, મારા હસબન્ડને અમે સિવિલમાં એડમિટ કર્યું છે, એમને બહુ લાગ્યું છે. રિપોર્ટ બાય પરવીન પઠાણ, સમાચાર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત.